हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पापड़ी। ये पापड़ी आप चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर चाट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी पापड़ी का रेसिपी। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में एक कप मैदा ऐड करेंगे, फिर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। उसमें मैं एक टीस्पून काला जीरा ऐड कर रही हूँ और एक टीस्पून अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन को थोड़ा हाथों से क्रश करके डालिएगा तो उससे उसकी फ्लेवर अच्छी आती है। फिर मैं ऐड करूँगी एक टेबलस्पून घी। अब मैं सबको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ऐसा होना चाहिए। फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को अच्छे से नीड कर लूँगी और एक टाइट डो बना दूंगी, जैसे हम पूरी में बनाते हैं। अब मैं 10-15 मिनट के लिए डो को कवर करके छोड़ दूंगी। 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं डो को फिर से 1-2 मिनट के लिए नीड कर लूंगी। अब मैं डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। अब मैं थोड़ा सा आटा डस्ट करके एक बड़ा सा चपाती जैसा रोल कर लूँगी और मेरा वो चपाती थोड़ा सा पतला होना चाहिए। मैंने एक ऐप के हेल्प से राउंड राउंड कट कर दिया है पूरी जैसा। आप चाहे तो कुकी कटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लास से भी गोल गोल बना सकते हैं। अब मैं वो राउंड राउंड पीसेस को निकाल दूंगी। जो एक्स्ट्रा पीसेस रहेंगे उसको हम फिर से नीड करके फिर से चपाती जैसा बना देंगे और फिर से राउंड राउंड कट कर लेंगे। अब मैं फॉर्क से होल्स बना दूंगी पापड़ी के ऊपर। इससे क्या होगा ना, वो फूलेगा नहीं और क्रिस्पी रहेगा। हम सेम प्रोसेस में बाकी के भी पापड़ी बना लेंगे।
सारे पापड़ी को मैंने कट करके निकाल दिए हैं। अब हम उसको डीप फ्राई करेंगे। हम तेल लेंगे, लेकिन वो मीडियम हॉट होना चाहिए, ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, और पूरा लो फ्लेम में पापड़ी को डालेंगे और उसको डीप फ्राई करेंगे। हम ज़्यादा पापड़ी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में डीप फ्राई करेंगे। पापड़ी को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करूंगी। पापड़ी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं उसको निकाल के किचन टॉवल में रख दूंगी। हम सेम प्रोसेस में बाकी के पापड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। पापड़ी हमारा सब बन गया है। अब मैं उसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए मेरी पापड़ी कितनी क्रिस्पी बनी है। इसको मैं ज़िपलॉक बैग में स्टोर कर लूंगी। आप चाहे तो एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। ये पापड़ी को आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर चाट्स में भी यूज कर सकते हैं।
मैं कल और एक वीडियो अपलोड करूंगी चाट रेसिपी का, जिसमें मैं ये पापड़ी यूज़ करूंगी। आई होप आप ये पापड़ी का रेसिपी अपने घर पे ट्राई करेंगे और खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। एंजॉय। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।